चलो शाहजान, तुम्हारा भी फर्ज पूरा हुआ। काश शेरी के पेरेंट्स जिंदा होते आज। देखो, अगर तुम्हारा इमोशनल होने का कोई प्लान है ना तो मुझे बता दो, मैं कुछ टिश्यूज वगैरह इकट्ठे कर लूं। जब इमोशनल होने का वक्त आ तब तो मैं भगवानी अब क्या होऊंगा। शाहजहान, क्या तुमने भी आज सुकरात की तरह से जहर का प्याला पी लिया है जो सच बोलने का दौरा पड़ रहा है? कभी कभी इंसान खुद से भी झूठ बोलते बोलते फैल जाता है। उनका बीजान, बीजान, ये आगा जी की आंखों में सचमुच आंसू थे कि मुझे चक्का लगा है। बस जरा पोते की शादी पर इमोशनल हो रहा था, तुम तसल्ली दे देना। अरे बीजान, मैंने आगा जी को क्या तसल्ली देनी है? उधर ते देखो जलाल भाई जी ने क्या पेट से आपा डाला हुआ है, रो रो के बुरा हशर कर लिया है। क्या जनाल, ये क्या टोपी ड्रामा कर रहा है? वो उनकी बेटी जो रुखसत हो गई है। क्या अकेला है जिसकी बेटी हुई है और जो रुखसत हो रही है? तुम परवीन को कहो जरा ध्यान बटाए। अच्छा पिनो, भाई पिनो कहाँ गई है? बीजान, पिनो तो नहीं मुझे नजर आ रही। हम भी चल के ना जरा देख लेते हैं। बीजान, बीजान करना तो पड़ेगा ना, मुसुम्मा भी रो रही है, बैठ के आ जाए ना, सारे ममान देख रहे हैं। और की कर रहे हैं? छड़ मेरी बाँ। दास फिर क्यों बुलाया मैंने इत्थे? देख परी, ये जो तू जलाल भाई के साथ डांस कर रही थी ना, अगर इसकी वजह से मुझे आया हार्ट अटैक तो इसकी जिम्मेदार तू होगी। रहन दे, वड्डा आया देवदास, चिड़ी जितना तो दिल है तेरा, बीवी के एक गोरी से ना बंद हो जाना है इसने। परी मेरा बीपी कर रहा है शूट, तो बेहतर यही होगा कि वो अफगानी ना ना उससे रहे तू दूर। और फिलहाल तो मैं तेरे से दूर जा रही हूँ, सुकून दा सांस ले ले। नहीं माँ, अपने ना शॉर्ट ते ध्यान दिया कर, देख उसका रंग पीला फटक हुए जा रहा है, कहीं लुढ़क गया ना तो तू भी मेरी तरह यंग बेवा रह जाना है। अस्तगफुल्ला परवीन, तुम्हारे तो मुंह पे लिखा हुआ है जब भी बात कर रही है ना बुरी ही कर रही है। अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा।